साफ हवा दिल्ली वालों को अब नसीब होगी भी या नहीं होगी आने वाले 2-3 महीनों तक, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इस बार फिर से जैसे ही ठंड का मौसम आया है उसके बाद से जो प्रदूषण है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। दिवाली की रात को आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी ने इतना प्रदूषण बढ़ा दिया कि जो पिछले दिनों बारिश की वजह से कहीं पर प्रदूषण कम हुआ था वो सब फिर से धुल गया है। मौसम का मिजाज जो थोड़ा नरम हुआ था, हवा जो थोड़ी साफ हुई थी, अब फिर से प्रदूषित हो गई है। हालात फिर से बेकाबू हैं। क्या है दिल्ली की हवा का मिजाज, आइए दिखाते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध, धुआं धुआं। जमकर हुई आतिशबाजी, फिर लगी सांसों की बाजी। बेहिसाब पटाखों की बिक्री, बेहिसाब प्रदूषण। दिल्ली में दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर को गंभीरतम स्तर तक पहुंचा दिया है। दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। जिन इलाकों में AQI में बढ़त दर्ज की गई, वहां हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से प्रदूषण युक्त हो गई। इन इलाकों में जहांगीरपुरी, आरकेपुरम, ओखला, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, वजीरपुर, बवाना और रोहिणी शामिल हैं। जी मीडिया की टीम ने दिवाली की रात उन इलाकों का जायजा लिया जहां पर सबसे ज्यादा हवा प्रदूषित हुई। सबसे पहले रात करीब 10 बजे जी मीडिया की टीम इंडिया गेट पहुंची। यहां कैसे हालत नजर आए, आइए देखते हैं। जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है वो 249 है, जो कि जिसका स्तर है वो खराब माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए, जो 249 है ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लोगों को घर पर रहना चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि पटाखे ना जलाएं। लेकिन बहुत सी जगहों पर जो पटाखे हैं वो चल रहे हैं और जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। दिल्ली में दिवाली की शाम तक एवरेज AQI 218 दर्ज किया गया था। बीते 2 दिनों से चल रही हवा की वजह से दिवाली के दिन दिल्ली में 8 साल बाद सबसे बेहतर हालत बने थे। लेकिन जैसे जैसे पटाखों की गूंज शुरू हुई वैसे वैसे हवा का स्तर भी गिरता चला गया और कम तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली में इस साल भी पटाखा बनाने, स्टोर करने और बिक्री के साथ साथ उपयोग करने पर पाबंदी लगी रही। हालांकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में खुलेआम पटाखे बिकते भी नजर आए और लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। इसी के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के शाहदरा इलाके में और यहां आसमान में देखेंगे और जो पटाखों की आवाज है वो भी लगातार यहाँ पर महसूस की जा रही है, सुनी जा रही है। और इसी के साथ ठीक सामने आप देखेंगे स्काई शॉट जो आसमान में छोड़े जा रहे हैं। लोग अपने घरों से पूजा करने के बाद निकले हैं और उसके बाद में पटाखे यहां पर जमकर की जा रही है। और इसी के साथ में दिल्ली में जो इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर आप देख रहे हैं, जो प्रदूषण कितना ज़्यादा है, धुआं कितना ज़्यादा है और धीरे धीरे अब ये बढ़ने लगा है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो गया। इन इलाकों में सबसे पहले अगर आरकेपुरम की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 999 तक जा पहुँचा। जहांगीरपुरी में AQI 847 तक जा पहुँचा। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में भी AQI 710 दर्ज किया गया है। रोहिणी इलाके में AQI 586 दर्ज किया गया। भले ही इस बार दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार देखने को मिला था, इस स्थिति के लिए हाल के दिनों में चली हवा और बारिश को श्रेय जाता है। लेकिन आतिशबाजी के बाद जैसे हालात बने उसे देखते हुए अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है
कि अगर दिल्ली में एक दो दिन के अंदर दोबारा हवा की रफ्तार नहीं बढ़ी तो आने वाले कई दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।